मासूम फातिमा माशाल्लाह दोनों आराम से मजे से खेलने लग रहे हैं। मानिया ठीक हो? मासूम फातिमा ठीक हो? ये क्या कर रहे हो? अब गिर जाओगे गिर जाओगे गिर जाओगे, गंदे बच्चे गिर जाओगे। माशाल्लाह जी कैसे माशाल्लाह खेलने लगे रहे हैं आप, इकट्ठे हो गया ना माशाल्लाह तीनों, और अम्मी जान भी आई। अम्मी जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मेरी बेटी, और मेरी बहनों ठीक ठाक हो? खैर खैर अल्लाह का शुक्र सब ठीक ठाक होंगे। आप सुनाते बैठे क्या आपकी? बस मुँह में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द होता है। अच्छा चलो शुक्र अल्लाह। मासूम फातिमा चुप, बुरी बात शोर नहीं करो। वहाँ पे सामने की तरह बोलने लगा है और बच्चों ने बहुत ज़्यादा शोर करा हुआ था, मैंने चुप कराया, मंजी साइड पर करी है, अब अंदर चले गए जा रहे हैं कमरे में, ज़ारा को तंग करेंगे। और यहाँ पे जी भाभी जान बनाने लग रही है आज आलू बैंगन। माशाल्लाह जी आलू बैंगन आपके भाई के घर में, आपके भाई को पसंद है ना? हाँ जी। मैं नहीं ये खाती, मैं अगर खाऊँ ना मेरे मुँह में ना वो जैसे दाने से नहीं हो जाते खाले से, हाँ जी वो पक जाते हैं। अच्छा और ज़ारा वैसे ही नहीं खाती, गरम है ना, वैसे भी गरम चीज़ें बना करी हुई हैं। हाँ जी सही, इसलिए ना आलू आपने ले लिया काम, हमने कहा हम आपने लिया ना कुछ और बना लेंगे शाम को। सही, नहीं तो मैं तो आलू निकाल के आलू से भी खा लेंगे फिर वो ज़्यादा नहीं ना। हाँ जी और हाँ चलो ठीक है। ज़ारा ने वहाँ पे आटा भी गूंद लिया, हाँ जी ज़ारा ने आटा गूंद लिया, मैंने ये बना लिया सब्जी बना लिया, बस टमाटर और मिर्च प्याज काट के ना, हाँ जी मैं भी सारा कुछ डाल के ना कुकर में, माशाल्लाह 5 मिनट में बन जाएगा। वो तो कह रही कुकर में चीज़ अच्छी बन जाती है और जल्दी बन जाती है, टाइम भी बच जाता है, टाइम की बचत भी। अच्छा अच्छा सही है ठीक है जी। और अम्मी जी आप सलाम कर लो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मेरी बेटी और मेरी बहन ठीक ठाक हो? अल्लाह का शुक्र है सारे ठीक ठाक होंगे। बस कट गए तकरीबन आलू, अभी रह रहे हैं अभी मुझे लग रहा है। माशाल्लाह जी माशाल्लाह जी, थोड़े से हो जाएंगे। हाँ जी ठीक है। और बच्चे स्कूल गए हुए? बच्चे हाँ जी स्कूल गए हुए हैं। अच्छा सही है। और ज़रा गए हुए फिर भी उन बच्चों ने छोटों ने कितना शोर मचाया, वो जो माशाल्लाह हमारे 4 बच्चे स्कूल गए हैं ना उनके बराबर वो यानी कि अपना काम पूरा कर लेते हैं। सही। और ज़रा आप सुनाते भी ठीक है आपकी? अल्लाह का शुक्र हम भी ठीक है। हाँ जी रुकिया सर ठीक है, बस आने लग रही थी तो कहती वो मेरे ना जाड़ में दर्द होया, मैंने कहा चलो जी आपने टाइम पे आके मुझे धोखे दे, पहले हम दोनों जने आने लग रहे थे ना, तो वो फिर कहती नहीं आप जाओ मेरे ना जाड़ में दर्द हो रहा है, मैंने कहा चलो अच्छा फिर ठीक है। फिर मैंने कहा चलो अम्मी जी भी आई हुई, चलो अम्मी जी को मिल लेना, कह रही अच्छा फिर मैं आ जाऊँगी कोई नहीं। भाभी जान ने बैंगन वगैरह काट लिए हैं और चूल्हे में लकड़ी भी सड़ कर दिए हैं ताकि इतने बैंगन वगैरह डालेंगे इतनी आग जल जाएगी। हाँ जी क्योंकि अभी मैंने ना वो सालन बनाया था, अच्छा किसी का सालन बनाया था ना मैंने, अच्छा तो अच्छा। वो बना के मैंने भेज दिया है। सही तो बस अब ये अपने जो सालन है ना अपनी रेसिपी की ना अब शुरू की है। सही है। और आपकी तबीयत खराब हो रही सही है? दवाई वगैरह लिया आपने? नहीं मैंने दवाई नहीं ली, अभी कल भी इसी टाइम मेरी तबीयत खराब हो गई थी, अब फिर होती जा रही है ना तबीयत खराब, चेहरे से पता लग रहा है आपका तबीयत खराब हो रही है। दम वगैरह करवा के देख लेते? मैंने आपके भाई को कहा था, मैंने कहा आप जहाँ पे जा रही है ना दम करवाने भी मैं भी साथ चलूंगी, मैं भी दम करवा लूंगी, मैंने कहा नहीं आप रहो आप घर ही हो, नहीं दम करा लेते ना अल्लाह करे आराम आ जाता। हाँ जी वो कहते हैं दवाइयों से भी आराम नहीं आता, अगर दम करा ना उससे आराम आ जाता है। हाँ जी ऐसे ही है वो, बस लेके नहीं गए फिर आपके भाई, मैंने कहा चलो चलो जिस टाइम मिलेगा ना फिर मैं भी कह दूंगी भाई को, चलो भाभी को ले जाएगी। चलो जाहिर बात है जब तबीयत खराब है तो वो पता है क्या आपको पता तो आपके भाई को जरा सा कुछ होता है मेरी जान मुट्ठी में आ जाती है। सही बात है जाहिर बात है जब कामिन बीमार है तो फिर औरत को बेचारी लगी रहती है सारी। हाँ जी बस कोई ना कुछ खाने को दिल करता है ना कुछ पीने को दिल करता है। ऐसे ही है मैंने परसों रात की रोटी खाई हुई ना, मैंने रात ना आपके भाई के साथ ही ना साग चावल खाए थे। सही है। तो उसके बाद अब मैंने थोड़ा सा नाश्ता किया अब का खाई और अब देखो किस टाइम मैं खाती हूँ क्योंकि कुछ खाने को दिल ही नहीं करता। सही बात है। बस अल्लाह में हमारे भाई को सेहत वाली ज़िंदगी दे लंबी ज़िंदगी दे, हम तो दिन रात अपने भाई के लिए दुआ मांगते हैं, अल्लाह में हमारे भाई की जो भी परेशानी है
लेने दूर हो जाए बस बेचारे को ये तकलीफ है। ज्यादा बात जिसे भाभी तकलीफ होती है उसे ही पता होता है उसे ही पता होता है, हम तो बस ऐसे हाँ बैठे जी बातें मारते रहते सही हैं। बात है कहते हैं ना जिसके ऊपर बीतती है ना फिर उसे को ही पता होता है, पता ही होता है सही बात है। वो कहते हैं ना बीमारी आती है घोड़े की चाल पे और जाती है कीड़ी कीड़ी की की चाल चाल पे। पे पिछले साल भी भाई के साथ यही हुआ क्या हुआ था, अब के भी वही हो रहा है। हाँ जी अब समझ नहीं आ रही है भाई ये क्या चक्कर है क्या नहीं है क्या जी है। तो हो बिल्कुल रात हो भी ऐसे इतना रात को सोचती रही बैठी भी बड़ा, जिस तरह भी मुझे बताया ना भाई भाई की तबीयत खराब है लेकर जा रहे हैं, मैं तो बस मैं तो दिल कर रहा था मैं किसी तरह उड़ के भाई के पास चले जाऊँ, इतना यानी कि मेरा इतनी हाँ मुझे जी टेंशन हो रही ऐसे ना ही बहुत है ज़्यादा। फिर जारी बात आपको पता है फिर घर भी नहीं छोड़ के आ सकते, फिर जी रात का बिल्कुल टाइम था फिर। हाँ जी, क्योंकि भाई मकबूल और इधर ही थे ना भाई हाँ जी हाँ शौकत जी भी, हाँ जी तो इसलिए फिर भाई शौकत और भाई मकबूल चले गए थे, कहने लगे हम भी बच्चे अकेले हैं हाँ चलो जी हम जा रहे हैं अभी, हाँ तो जी मसला हुआ ना फिर हमें फोन करके बुला लेना, मैं कहा चलें ठीक हाँ है। जी मैं अभी मुनीफ के पापा को कहते मैंने कहा मैं भी चलते हैं, कह रहा नहीं अल्लाह खैर करा बस दुआ करा करो अपने भाई के लिए कि कोई मसला नहीं इंशाल्लाह हम जा रहे हैं ना इंशाल्लाह जी सही हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो बस फिर इसी वजह से फिर मैं नहीं आई, बस जी फिर बार बार ना मैं कभी आया मैं दिल को कॉल कर रही कभी भाई को कॉल कर रही पूछ रही भी तबीयत जब हाँ जी, मुझे वो पता। आपके भाई जैसे दम करवाते हैं ना, उन्होंने खाना खाया मैंने उन्हें दवाई दी है, वो अच्छा तो पढ़ के सो गए थे, बल्कि मुझे नींद नहीं आ रही थी काफी देर तक, मैं भी ना उठी रही हूँ बिस्तर में लेटी रही हूँ। सही है ठीक है चलो फिर ठीक है। बैंगन माशाल्लाह कुकर तो फुल हो मैं गया इसीलिए ये इनको ऐसे रख रही हूँ ना, थोड़े से ये नीचे हो जाएंगे ना फिर इसमें मसाला वगैरह डाल के ना, तो सही इसको फिर वेट लगा दूंगी। ठीक है जी। माशाल्लाह हो गई हैं तो सब जगह हो गई हैं, और वहाँ पे जी दोनों यानी कि शहजादे वो भी बोलने लग रहे अपनी अपनी आवाज़ में, और एक शहजादा वो खड़ा है वो भी बोलने लग रहा है माशाल्लाह जी। तो अस्पताल हम गए थे, अस्पताल से हम दवाई वगैरह लेके आ गए हैं, आमना सिस्टर की और अम्मी जान की यानी कि दवाई लेनी थी लेके आ गए, काफ़ी यानी कि टाइम लग गया, रश रश बहुत ज़्यादा था अस्पताल में तो काफ़ी यानी कि टाइम लग गया। फिर सारे बाद पैदल गए हैं पैदल ही फिर आए, अम्मी जान भी थक गई थी और मैं भी थक गई थी, और यहाँ पे अहमद अली आया दोपहर का टाइम खाना खाने के लिए आया, खाना वगैरह खा लिया आपने चाय पी ली आपने, और अम्मी जी कह रही है मैं घर जा रही हूँ। तो मैंने अम्मी जी को कहा मैंने कहा आमना जिनके रुकी ऐसे कभी जाड़ में दर्द था मैंने कहा चलो उसका ही पता करते जाना, अम्मी कहती चलो ठीक है मैं उसका पता करके फिर वहीं से वहीं कह रही मैं घर चली जाऊँगी अपने, और आपने साथ चलना ना दुकान पे जाया था। अभी आ जाएंगे अम्मी जी कह रही है ना, अम्मी जी कह रही मुझे ले जाना चलो फिर अम्मी जो घर भी छोड़ना है ना। हाँ जी और तबीयत ठीक है ना, हाँ जी काम ठीक ठाक जा रहा है सारा चलो शुक्र है चलो फिर ठीक है फिर चलते हैं। वो नशेजादों को देखो माशाल्लाह वो भी बोल रहा है बोलते हाँ वो जा भी बोलने लग रहा है वो भी अपनी आवाज़ निकालने लग रहा है माशाल्लाह। तो भाभी जान की तबीयत ख़राब हुई, भाभी जान भी अंदर लेटी हुई है बुखार हो रहा है, कह रहा कल वाला जैसे कल हो रहा था ना वैसे ही दोबारा फिर होने लग रहा है यानी कि तबीयत ख़राब होने लग रही है। तो बस अल्लाह ताला रहम करें करम करें, भाई के भी बेचारे की तबीयत सही नहीं है वो भी प्लाट पे बेचारा बैठा है, अल्लाह ताला मेरे भाई को भी सेहत वाली ज़िंदगी दे लंबी ज़िंदगी दे। और प्यारे बहन भाई आपने मेरी भाभी के लिए और भाई के लिए आपने बहुत बहुत दुआएं मांगनी है, अल्लाह मैंने जो बीमारी अल्लाह मैं इनकी बीमारियां दूर हो जाएं। तो बस टेंशन लेते हैं जारी बात से पता नहीं भाई को कौन कौन सी टेंशन है बेचारा टेंशन लेते हैं, अल्लाह ताला मेरे भाई की टेंशन सारी दूर कर दे। चलो फिर ठीक है अहमद अली ठीक है फिर चलते हैं, हाँ फिर देखते हैं रिक्वेस्टर भी क्या कर रही हैं घर, उसकी भी तबीयत भी ठीक नहीं थी। अल्हम्दुलिल्लाह से गाय को मुझे लग रहा है शौकत भाई ने चारा वगैरह डाल दिया और माशाल्लाह पानी वगैरह पी लिया रजी खड़ी हैं, और अहमद अली भी माशाल्लाह अम्मी जी को मुझे और आमना सिस्टर को ले आया है, अम्मी जी भी माशाल्लाह आ गई हैं और भाईजान भी माशाल्लाह सही सलामत बैठे हैं, और यहाँ पे जी माशाल्लाह जी ये देखो जी पढ़ाई कर रहा है जी किस पे बस बच्चे नवे से नवे करते मिला के भाग जाते नवे हैं, से ऐसे नवे सीखते हैं ना सिस्टम भाई होता है। जी की, तो वो है और यहाँ पे रुकिया सिस्टर जी आज बनाने लगे रे मसर, आज भी साथ मसाले फिर बना रही चावल हूँ भी मैं, साथ ही होंगे नहीं, साथ थोड़े ही से बना लेना मेरी नहीं खातिर ही बना लेना ना ना है ना अहमद अली सही रोटी कह रही हूँ मैंने कहा मेरी चावल खातिर नहीं, ना चावल बना उसी टाइम लेना, गोली खा ली थी ना आराम दे आराम आ अब गया, आराम आया जाड़ के दर्द। उसी टाइम गोली खा ली थी ना आराम आ गया तो था, अम्मी जी कह रही थी मेरे पास ले लेकिन आते हैं, जब मैं जाड़ ये जब छिड़ जाती है ना बड़ी अजीब होती है ये एक जाड़ हो गई है कान का दर्द ये तो बहुत ही बुरा है, बस अल्लाह ना किसी को ये जाड़ का दर्द ले और ये ना कान का दर्द जी। ले, बस जिससे होता है ना उसे ही पता होता है, जी मैंने कहा जिससे होता है ना उसे ही पता होता सही है बात है, तकलीफ होती है, बस अल्लाह ताला दुख तकलीफ ना दे किसी को आगे तबीयत बहुत ठीक दुख है आएंगे। भाभी की और भाई की तबीयत ठीक
भाभी की भी तबीयत खराब हो रही है और भाई को तो आपको पता ही है, उसके बेचारे के वैसे भी सिर में दर्द है। भाभी तो बेचारी बिस्तर में लेटी हुई थी। मौसम भी चेंज हो रहा है ना। हाँ जी हाँ जी, किसी को ठंड लग रही है, हाँ जी किसी को बुखार हो रहा है, हाँ जी हाँ जी। इस शहजादे को भी घास वगैरह डाल दिया और इसे भी माशाल्लाह डाल दिया, चारा वगैरह डाल दिया माशाल्लाह, खाने लग रही है माशाल्लाह जी। और अभी फल वगैरह यहाँ पे भिगो के रखी हुई है इसके नीचे, तो अभी जब दूध का टाइम होएगा फिर इसे हम इनके डाल देंगे, फिर दूध भी इसका निकाल लेंगे। बहुत ज़्यादा जलील कर रखा है। और ये शहजादियाँ भी यहाँ पर आगे खड़ी हो गई हैं, डर गई हैं बेचारी हैं। हाँ जब वो मुर्गा मारेगा ना फिर आपको पता लगेगा। बच्चे वहाँ पे सामने खेलने लग रहे हैं। और रुकिया सिस्टर जी, मैं अंदर देखने गई थी, आप इधर आ गए फिर चूल्हे पे। जैसे कहते हैं लाली आई बैठी है, विश्वास करने लग रही है। और शौकत भाई भी यहाँ पे मंजी लेके आ गए चूल्हे के पास, ताकि रुकिया सिस्टर आग जलाने लग रही हैं। अपना इनके सेक वगैरह मिलते रहेगा। सर्दी लग रही है भाई जान, आपको जर्सी वगैरह कोई स्वेटर वगैरह पहन लेते ला के दूँ? अच्छा बाहर पड़ा है। अच्छा और कोई असिस्टेंट ने कुकर को भी लेप लगा ली है, तो अब रखने लग रही है यहाँ पे मसर डालने लग रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी आग फिर, हाँ जी मसर चावल भी अच्छे बनते हैं। हाँ क्योंकि भाई जन को नुकसान है ना चावल, इस वजह से चावल नहीं बनाने। कभी कभार हो गया दोपहर को जैसा दिल कर गया, अक्सर बच्चों को बना के बना देते हैं बंदे। और यहाँ पे जब खुशक मसाले वगैरह, ये क्या लहसुन सब उसे डाल दिया आपने? हाँ जी इसमें घुल जाएगा बिल्कुल। अच्छा सही है। अच्छा अच्छा सारे मसाले डाल के ना इसमें रख देती हूँ। हाँ जी तैयार हो जाएगा, इसमें थोड़ा सा लहसुन तड़का लगा दूँगी। सही है। बस थोड़ी डर लग रहा, भाई तो वैसे भी कम ही पीता है, जो पीता कहते भी कम, यानी कि मिर्चें बहुत कम खाते हैं। हाँ जी शाम का मंदिर देख सकते हैं माशाल्लाह जी, सूरज भी अपनी मंजिल पे चला गया और हर कोई अपना, जाहिर बात है शाम का टाइम है, हर किसी को अपने घर जाने की जल्दी लगी हुई होती है। और उधर सामने की तरफ कबूतर वहाँ पे उड़ने लग रहे हैं, वो दूर हैं काफ़ी, क्योंकि इस टाइम ना हमारे विलेज में ना कबूतर लाजमी उड़ते हैं। हाँ जी जिस तरह शौक होता है किसी को कबूतर उड़ाने का, किसी को किस चीज़ का। हाँ जी हाँ जी काम का काम हो जाता है, कबूतरों का शौक भी हो जाता है पूरा अपना। सही है। जल गई आग? हाँ जलती है। अच्छा सही। अम्मी जान भी चली गई, अपने घर चली गई हैं, तो अहमद अली छोड़ने गए अम्मी जी को, तो छोड़ के फिर उसके बाद फिर दुकान पे जाएगा। सारा सामान वगैरह यहाँ पे रख दिया, प्याज भी यहाँ पर रखी, टमाटर भी हैं, अभी लकड़ियाँ अभी चूल्हे में जलाई है, अभी लगाई हैं अभी, तो अब जलाती हूँ। और माशाल्लाह यहाँ पे जो सामान आया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। तबीयत ठीक है? अल्लाह के करम है। अम्मी अबू बहन भाई सब ठीक ठाक कहेंगे? सब ठीक ठाक है अल्लाह का शुक्र। तो फिर बड़े दिनों बाद चक्कर लगा, जैसे टाइम लगे वैसे ही आवे। हाँ जी सारी बातें, हर कोई अपना अपना काम में जिनके मसरूफ होता है, भावे कोई छोटा होता है भावे बड़ा, हर कोई अपने काम में मसरूफ होता है। और काम वगैरह आपका सही जा रहा है? माशाल्लाह अल्लाह में इंशाल्लाह सही रहेगा। अम्मी को भी ले आते? अम्मी भी आ जाएगी। अच्छा हाँ जी ठीक है। हाँ जी सुबह तो आने हैं माशाल्लाह मेहमान। अच्छा इंशाल्लाह क्यों नहीं आएंगे, सारे आएंगे इंशाल्लाह। जाओगे ना रुकिया सिस्टर? हाँ जी सारे जाएंगे, अल्लाह ताला वो खैर खरे का दिन लाए इंशाल्लाह, फिर सारे बहन भाई सब इकट्ठे होंगे इंशाल्लाह। और बाकी सब ठीक ठाक हैं घर में? ठीक है। क्योंकि आपका खाना नहीं बना अभी तक? बस वो मैं देखने जा रही हूँ कुकर खोलने। अच्छा चलो फिर बैठो, फिर मैं चाय वगैरह बनाती हूँ, फिर अभी आग जलानी है। अभी आपकी तो खैर आग जली हुई, कुकर अभी मुझे लग रहा हवाल देने लग रहा है। मुर्गियाँ भी मुझे लग रहा है मुनीम ने बंद नहीं करी अभी। मुनीम बेटा बंद कर दो मुर्गियों को। अच्छा उस्मान भाई जाने लगा। अच्छा जी अल्लाह हाफिज़। बाहर जाते मैं कह रही चाय आप पी के नहीं जा रहे ऐसे? अरे अल्लाह बस आया भी है बेचारा, फिर जा रहे हैं। असल में ना बस वो जाहिर बात है भाई हैं बड़े हैं, जिम्मेदारी है, छोटी बहन की जिम्मेदारी ली हुई है, तो जाहिर बात है फिर बड़े बड़े तो सारे फिर आएंगे ना इंशाल्लाह, फिर इंशाल्लाह फिर हम भी सारे कल जाएंगे इंशाल्लाह। जाहिर बात चाचा जी होएगा, बड़े चाचा होएंगे, अम्मी जी होंगी सारे माशाल्लाह इंशाल्लाह। कल जुम्मे का दिन भी है, बहुत अच्छा दिन हैगा। सही है, अल्लाह खैर करे इंशाल्लाह, सब फिर सारे इकट्ठे हो जाएंगे। और इनाम भी चाची से
सबसे पहले जाएगा। जारी बात है, ये जैसे इनाम की दादी आएंगी, दादा आएंगे, तो जारी बात है इनाम तो आगे आगे ही होएगा। सही है, मुझे लगा रहा अभी मुनीफ के पापा भी नहीं आए।